आम आदमी ने सिमरिया विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, जांच कर मुकदमा दर्ज करने की मांग। आपको बता दें कि रीवा जिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें विधायक निधि एवं स्वेच्छा अनुदान निधि में बंदर बांट का आरोप लगाते हुए सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की जांच कराए जाने की मांग की गई है। सिमरिया विधायक पर आरोप लगाते हुए आप नेता प्रमोद शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक निधि एवं स्वेच्छा अनुदान निधि को लेकर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पहले नंबर पर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा विधायक निधि से 8 करोड़ रुपए 3 कामों के लिए बांटे गए हैं। उनका आरोप है कि इस निधि से 4 करोड़ रुपए विधायक द्वारा कमीशन लिया गया है। प्रमोद शर्मा ने कहा, इसी तरह विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से 1 करोड़ रुपए बांटे गए थे, जिसमें से 32 लाख रुपए ऐसे लोगों को दिए गए जिनका नाम और पता ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बाकी के रुपए उनके द्वारा अपने लोगों को वितरित किए गए हैं, जिसमें ड्राइवर और उनके कर्मचारी सहित अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी आरोपों की जाँच कराई जाकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग उन्होंने कलेक्टर रीवा से की है। प्रस्तुत है आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ज्ञापन देने आप लोगों का कहाँ ये विधायकों के निधि को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरटीआई लगाई थी। कल इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें देखा गया कि पहला जो क्रम है वो सिमरिया है। सिमरिया विधायक ने लगभग 8 करोड़ रुपए जो निधि में बांटे हैं, जिसमें से हमारा आरोप है लगभग 4 करोड़ रुपए का उन्होंने कमीशन खाया है। कमीशन खोरी काम हो जो 3 काम हुए हैं, इसके साथ में जो निधि है स्वेच्छानुदान 1 करोड़ रुपए दिया है। 1 करोड़ रुपए में से लगभग 32 लाख रुपए ऐसे हैं जिनका कोई नाम पता नहीं है। इस पैसे को सीधे विधायक सिमरिया ने केपी त्रिपाठी ने अपने उस पे जो है अपने खुद के लोगों के पास पहुंचाया है। और ये हमारा आरोप है कि 1 करोड़ में से लगभग 80 लाख रुपए उनके साथ में घूमने वाले लोग, उनके साथ में काम करने लोग, उनके घर में माली कर्मचारी ड्राइवर उनके साथ के पीए, उनको सबको आवंटन किया गया। इसी के लिए हम लोग ये आज आए हैं मैडम को शिकायत करने और एफआईआर करने की बात की गई। इस पे जो है वो ये करें और साथ में जो है इसकी जांच कराएं, एक कमेटी बनाएं, क्योंकि ऐसा पैसा का लूट नहीं करना चाहिए। गांव में और भी बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको जरूरत थी उस पैसे की, जो शासन प्रशासन देता है अति गरीब लोगों को देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि विधायक अपने ड्राइवर को और अपने जो पीए हैं उनको पैसा देंगे। इसका जो है ऑब्जेक्शन करने हम लोग यहां पहुंचे।